ओम शांति। अज 27/3/2023 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे बाप समान नडिर बनो, अपनी अवस्था साक्षी रख, सदा हर्षित रहो। याद विच रहन नाल ही अंत मती सोगती होवेगी। अज बाबा ने अपने बच्चों नूं प्रश्न पूछा, खुश नसीब बच्चे सदा फ्रैश अते हर्षित रहन दे लई केड़ी विधि अपनांदे है? अज बाबा दा उत्तर है, दिन विच दो बार ज्ञान शनान करन दी। बड़े आदमी फ्रैश रहन दे लई दो बार शनान करदे है। तुहानू बच्चियां नू भी ज्ञान शनान दो बारी करना चाहिदा है। इस विच बहुत फायदा है। नंबर एक, सदा हर्षित रहोगे। नंबर दूजा, खुश नसीब तकदीरवान बन जाओगे। नंबर तीजा, किसी भी तरह के संशय निकल जाएगा। नंबर चौथा, मायावी लोकां दे संग तो बच जाओगे। नंबर पांचवा, बाप अते टीचर खुश होणगे। नंबर छेवा, गुल गुल माना फूल बन जाओगे, अपार खुशी विच रहोगे। गीत है अज दा, जाग सजनिया जाग, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। शिव बाबा बच्चियां नूं बैठ समझांदे है ब्रह्मा मुख नाल। यह है गौ मुख, बैल मुख, नंदीगण है ना। गीत भी सुनिया, साजन कहिंदे है सजनिया नूं। हुण सजनिया सिर्फ फीमेल तां नहीं, यह मेल्स भी सजनिया है। जो भी भगती करदे है, भगवान नूं याद करदे है, तां उह हो गईआं सजनिया। साजन ते इक है, साधु भी साधना करदे है भगवान नाल मिलन दे लई, तां उह भी सजनिया ठहरे। उह इक भगवान कौण? इक तां कहा जाएगा गॉड फादर नूं, जिवें वर राजा नूं आना पैंदा है बन्नी इस्त्री नूं लै जाण दे लई। ये सब है बनिया। साजन नूं याद करदियां है तां जरूर आना पवेगा। एक दे लई तां नहीं, सब दे लई आना पवेगा। अते सब सजनिया, बाबा आखदे ने, दुखी है, कोई ना कोई रोग बीमारी आदि होवेगी जरूर। ता ए हो गया नरक। स्वर्ग विच है सुख, नरक विच है दुख। इस समय असी सब हाँ नरकवासी सजनिया, मतलब सब माया रावण दी कैद विच है। बेहद दा बाप बेहद दियां गल्लां ही समझाणगे, सारी दुनिया कैद विच है। इस नूं दुख धाम कहा जाता है। धाम मतलब रहण दी जगह। कलयुग विच है दुख, सतयुग विच है सुख। दैवी संप्रदाय आसुरी संप्रदाय, यह है गीता दे भगवान शिव दे महावाक्य। ओ खुद कहिंदे है, सजनिया हुण नवयुग आ गया, यह पुरानी दुनिया है। साजन कहिंदे है, हुण जागो, हुण नवा युग सतयुग आउंदा है। गीता नाल स्वर्ग स्थापन कीता सी। गीता भारत दे देवी देवता धर्म दा शास्त्र है। जो देवता धर्म हुण प्राया लोप हो गया है, प्राया मतलब बाकी अते आटे विच नमक चित्र है, पर अपने नूं कोई देवता नहीं मनदे। इह भुल गए है कि सतयुग विच देवी देवता धर्म सी, जिस नूं ही स्वर्ग कहा जांदा है। जदों लक्ष्मी नारायण दा राज होवेगा, उदों उह इवें नहीं कहणगे कि हुण स्वर्ग है। फिर तां इह वी समझ कि नरक होना है। यह सब राज हुण असी जानते हाँ। 5000 वरे पहले स्वर्ग सी, हुण नरक है। देवी देवता धर्म दी लत टुटी हुई है। ये गल्लां होर कोई गीता सुनाण वाला दस ना सके। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। गीता दा भगवान ही गीता द्वारा भारत नूं स्वर्ग बनाते हैं। फिर आधा कल्प उत्थे गीता दी लोड़ नहीं, उत्थे तां परलब्ध है। बाबा खुद कहिंदे है, इह ज्ञान प्राया लोप हो जांदा है। हुण लोप ही है ना, असीं होर नवीआं नवीआं गल्लां सुणदे हाँ। उहदे 18 अध्याय सुणांदे आए हैं, उसनूं नवां कौण कहेगा? पूरे 18 अध्याय लिख दित्ते है। इत्थे तां असीं पढ़दे रहिंदे हाँ, योग लगाउंदे रहिंदे हाँ। इस विच वी टाइम लगदा है। ज्ञान अते योग दोवों भरा भैण है। बाबा कहिंदे है, ध्यान तो ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि
उस नाल ही तुसी जीवन मुक्ति पा सकोगे। इवें कोई कह नहीं सकेंगे कि सानू कोई साक्षात्कार होवे तां पुरुषार्थ करिए। सामने श्री कृष्ण दा चित्र देख रहे है, अजिहे प्रिंस प्रिंसेज बनगे, फिर जो चाहो सो बनो। प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं ये तां मनना चाहिदा है ना। हुण नवयुग आ रहा है, जिथे जित उत्थे जाके प्रिंस पने दा जन्म लैणगे। रतन जड़ जड़त मुरली भी होवेगी, ये निशानी है। श्री कृष्ण नूं मुरली दिखाते हैं क्योंकि शहजादा है ना। बाकी उत्थे ज्ञान की कोई गल नहीं, ज्ञान तां दा सागर तां एक शिबावा है। वह बावा कहते हैं बच्चे विनाश सामने खड़ा है, पछाड़ी विच मंत्र देण वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमती सुगति गाई हुई है ना, आत्मा विच मेरी याद रखणगे तां गति मिल जाएगी। तुसी अज कल करदे आए हो, दो चार इतफाक दिखावेगा कि किवें अचानक मनुख मरदे है। उस समय मंत्र दा तां याद नहीं कर सकोगे, समझो अचानक छत डिग जाती है, उस समय याद किवें कर सकोगे। धरती हिलेगी उस समय तां हाए हाए करन विच लग जाणगे। बहुत उस समय तो प्रैक्टिस होवेगी तां फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो हर्षित मुख बैठ रहणगे। मनुख तां थोड़ा आवाज़ नाल डरदे मरे भजदे जाणगे। तुसी कदी भजोगे नहीं, डर दी गल नहीं। जिवें बाबा निडर है, बच्चियां नूं भी निडर बनना है। बाबा कहिंदे है बच्चे हुण नवयुग आ रहा है, हुण अपने नूं इंश्योरेंस कर दो। सारे भारत नूं तुसी इंश्योर करदे हो, बाप कोलों ताकत लैके भारत नूं तुसी इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे वर्गा हो जाएगा, फिर उस विच भी जिन्हां जो लाइफ नूं इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा कहिंदे है ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। जिवें सुधामे का मिसाल है, झट महल देखें तां प्रत्यक्ष फल होया ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं, फिर प्रिंस प्रिंसेस का सतयुग विच भी है, त्रेता विच भी है। ये थोड़े ही समझ सकणगे कि असी कित्थे ते प्रिंस बणांगे। सब सूरजवंशी तां नहीं बन सकणगे, ये सब है साक्षात्कार। बाकी आत्मा कोई निकल के जाती नहीं है, ये साक्षात्कार दी ड्रामे विच नूंद है। सोल नूं बुलांदे है तां इवें थोड़े ही आत्मा कोई शरीर तो निकल जाती है, फिर तां वो शरीर रह ना सके। ये सब साक्षात्कार है, बाबा भिन्न भिन्न रूप नाल साक्षात्कार करवाते हैं। नूंदिया होया है तां ही सोल आउंदी है, ये ड्रामे दा राज समझना है। नवीं गल्लां है ना, ता क्लास विच भी रेगुलर आना पए। थानू पता है बहुत वधिया वधिया आदमी दो वारी शनान करदे है, फ्रैश रहण दे लई दो वार ज्ञान शनान करना नाल बहुत बहुत फायदा है, नहीं तां मुफ्त विच अपनी वाशाही गवा देणगे। बाबा रजिस्टर तो भी जांच करदे है, पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है। अते बेहद दे बाप कोलों अथाह धन लैण जांदे हो, स्वर्ग दा मालिक बनदे हो। जेकर इन्ना निश्चय नहीं तां ऊंच पदवी भी पा नहीं सकोगे। दो बार स्नान करन नाल तुसी बहुत बहुत हर्षित रहोगे। बाबा कहिंदे है मैं गाइड बन थानू बच्चियां नूं लै जाण आया हाँ, किन्ना घुमांदे हाँ। ओ लोग एरोप्लेन नाल उपर जांदे है, किन्नी उन्हां दी महिमा हुंदी है। असल विच महिमा तां तुहाडी होनी चाहीदी है, तुसी बेकुंड विच जा के घूम फिर आउंदे है, मोस्ट वंडरफुल चीज़ है ना। बाबा कहिंदे है मैं सब तो दूर रहण वाला आया हाँ, देश पराए। फिर इस विच सरव्यापी दी तां गल ही नहीं, तुसी पैगंबर हो, पैगाम देण वाले हो ना, मैं भेज दिंदा हाँ। ये भी ड्रामे विच नुदिया होया है, ड्रामे अनुसार हर एक नूं अपना पार्ट बजाउण आउणा पैंदा है। फिर मैं ही आया हाँ, आके पढ़ाउंदा हाँ। ये तां गीता पाठशाला है, उन्हां सत्संगां विच तां तुसी जन्म जन्मांतर जांदे रहिंदे है। ओ एक कन्न नाल सुनिया, दूजे नाल कढ़िया, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਨਮੁੱਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਧਾ ਕਲਪ ਬਹੁਤ ਭਟਕੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਹੈ, ਬਸ ਅਬਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ, ਮਾਇਆਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ, ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਤੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੰਸ਼ਾ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਪਛਾੜੀ ਸਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਪਤੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋ। ਅਬਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀ ਜਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ, ਪੀਅਰ ਘਰ ਸਸੁਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਏ ਦੋਸ਼ ਮਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਓ, ਚਿੱਤਰ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਬੋਲੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੋਗੇ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਲੋਗਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਲ ਗੁੱਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਅਪਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੀਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਅਪਰਮ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਾਗ ਸਜਣੀਆਂ ਜਾਗ, ਹੁਣ ਸਤਿਯੁਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਮੌਜ ਕਰੋ, ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਲੇਪ ਚੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨਿਰਲੇਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੰਸ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਾਲਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੈਣ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਸੌਤੇਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤੇਲੇ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੈ ਦਾਦਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਰਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲਵੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਦਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਾਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਹੋ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦਾਦੇ ਦੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਹੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੌੜੀ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ
एकदम लकीर लग जाती है। हुण फिर बाप भारत की तकदीर जगाउंदे है, मनुख गीता का छोटा लाकट बना के ही पहनते हैं, पर इस विच महत्व की कोई गल नहीं जानते। एक कायदा भी बड़ा है कड़े हैं, पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पए, ठगी नाल मम्मा वावा नहीं कहना है। सच्चा बनोगे तो ही नशा चढ़ेगा, हाफ कास्ट नू नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत दे लई दीवाना बनिया है कि मैं भारत नू हीरे जिहा बनावांगा, तो भारत दे आशिक होया ना, भारत नू फिर तो बचा ऊंचा बनांदा है। आशिक मशूक दे लई दीवाना हुंदा है ना, तो भारत वासियां दे पिछे किन्ना दीवाना है, किन्ना दूर तो भजदे है, अते फिर किन्ना वड्डा निरंकारी है। अच्छा, मिठे मिठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नमस्ते। धारना ले मुखिया सार नंबर एक पर बेहद दे बाप तो अथा धन लैण लई दो बारी ज्ञान स्नान करना है, पढ़ाई विच रेगुलर जरूर बनना है। नंबर दूजा फुल कास्ट सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, बाप दा मददगार बनना है, गंदी तृष्णा रखण वालियां दे संग विच कदे नहीं फसना है। वरदान है अज दा तन मन अते दिल दी स्वच्छता द्वारा साहिब नू राजी करन वाले सच्चे होली हंस भव। तन मन अते दिल दी स्वच्छता द्वारा साहिब नू राजी करन वाले सच्चे होली हंस भव। आज बाबा बाप दा आखदे ने स्वच्छता मतलब मन वचन कर्म संबंध सब विच पवित्रता। पवित्रता की निशानी सफेद रंग विखाते है, तुसी होली हंस भी सफेद बस्तरधारी साफ दिल मतलब स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन अते दिल तो सदा बेदाग मतलब स्वच्छ होवे। साफ मन जा साफ दिल ते साहिब राजी हुंदा है, उस दियां सब मुरादा मतलब कामनावां पूरियां हुंदियां है। हंस दी विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्मावां नूं होली हंस कहा जाता है। स्लोगन अज दा जो इस वेले सब कुछ है करदे है ओही शहनशाह बनदे है, जो इस वेले सब कुछ है करदे है ओही शहनशाह बनदे है। चंगा, ओम शांति।